हर हर महादेव। मधुबनी बिहार से जो है मुरारी झाजी हैं, कह रहे हैं नमस्कार आचार्य जी, आपका प्रयास नई ऊर्जा दे रहा है, आपको साधुवाद। एक प्रश्न है कि गर्भवती स्त्री कितने मास के बाद उसको पूजा का अधिकार नहीं है, अर्थात जिस महिला को गर्भ धारण कर रखा है जो गर्भवती है तो कितने दिन बाद जो है कितने महीने बाद अशुद्ध हो जाती है, पूजा पाठ के योग्य नहीं रहती है, एवं संतान होने के बाद उस स्त्री को पूजा करने का धार्मिक कृत्य करने का कितने दिन बाद अधिकार होता है, कितने दिन बाद वह पूजन कर सकती है, तथा जलना शौच और मरना शौच में कोई अंतर है क्या। ये तीन इनके मुख्य प्रश्न है। इसमें आप देखेंगे स्थिति बड़ी विचित्र है। अगर किसी माता ने कन्या को जन्म दिया है तो अशौच काल अलग है, अशुद्धि का समय जो है बढ़ जाएगा। पुत्र को दिया है जन्म, पुत्र को जन्म दिया है तो अशुद्धि काल सूतक काल वह घट जाता है, ये भी है। देखिए आप आगे देखेंगे तो जो है आप विचार करेंगे। सर्वप्रथम आप ये देखें कि जिस महिला ने गर्भ धारण कर रखा है तो वो कितने महीने बाद जो है पूजन पाठ इत्यादि पति के साथ भी नहीं कर सकती, भोजन इत्यादि भी उसको नहीं बनाना चाहिए अशुद्धि के कारण। तो देखिए आनेक सूत्रावली में ये लिखा हुआ है कि मासे षष्ठे सप्तमे वाष्टमे वा प्राप्ते कन्या नैव पत्न्या नैव कुर्यात् कदाचित् होमं यानं देवयात्रां तथैव तस्या हस्ते नाशनं विप्रपुण्यम्। ये देखिए मासे षष्ठे छठे महीने से सप्तमे वा अष्टमे तथा अथवा छठे अथवा आठवें से, तो छठे सातवें अथवा आठवें से तीन विकल्प है। पत्न्या नैव कुर्यात्, पत्नी को ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्या क्या? होमम, होम में साथ नहीं बैठ सकती पति के। यानम मन यात्रा भी परिवर्जित कर देनी चाहिए। देव यात्रा किसी तीर्थ में या जो है मंदिर में दर्शन करने के लिए नहीं जाए। तथा तस्या हस्ते नाशनम विप्रपुण्यम, और पवित्र ब्राह्मण को नियमों का पालन करने वाले द्विज जाति को उसके हाथ का भोजन भी नहीं करना चाहिए। इसके कई कारण हैं। एक तो वो महिला जो है आराम करे, विश्राम करे, इसका जो है प्रभाव उस बालक पर पड़ता है। अभी एक प्रश्न और है कि गर्भिणी माता के क्या नियम है, गर्भिणी स्त्री के क्या क्या नियम है, वो किन किन नियमों का पालन करे तो उसको अच्छे संतान की प्राप्ति होती है, ये नियम हम उसी वीडियो में बतलाएंगे। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि वो जो यात्रा इत्यादि भी नहीं करे, चले फिरे नहीं, लंबी यात्रा वाहन पर चढ़ना इत्यादि सब परिवर्जित है। तस्या हस्ते नाशनम पुण्यम, उसके हाथ का भोजन भी नहीं करना चाहिए, वो बनावे भी नहीं क्योंकि उसमें अशुद्धि आ गई, फिर उसके हाथ का जो भोजन बना हुआ है उससे भोग नहीं लगेगा, पंच महायज्ञ नहीं होंगे, बलिवैश्वदेव नहीं होगा, और किसी अतिथि इत्यादि को पति को भी भोजन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार रजस्वला अवस्था में ऋतुमती अवस्था में वो भोजन की बनाने की अधिकारिणी नहीं है, ऐसी इन समय में भी तो वो स्वयं संपादन करे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं अपने लिए, भुंजते ते तो गम पापा ये पचंत्यात्म कारणात्, जो केवल अपने लिए ही भोजन बनाते हैं वे तो पाप खाते हैं, गीताजी में यह स्पष्ट ही है। इसलिए भोजन सदैव भगवान के लिए, अतिथि के लिए, अपने जो है श्रेष्ठों के लिए ही भोजन बनाया जाता है, अपने लिए भोजन नहीं बनाया जाता। तो ये सब चीज़ है। तो अब इसमें विकल्प है, कोई छठे सातवें आठवें तो क्या किया जाए। पहली बात तो ये मान लीजिए पाँच महीने तक तो कोई बात नहीं है, आप ये सब कार्य कर सकती हैं, कर सकते हैं, करवा सकते हैं। छठे महीने सातवें आठवें तो ये कहते हैं आगे कि गर्भ स्थिति अपेक्षया वेदम उक्तम, मतलब गर्भ की स्थिति
किसी महिला को ऐसा होता है कि रक्त स्राव इत्यादि छठे से और जो है आराम करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उनके नियम छठे से पालन करें। किसी को भी कोई ऐसी जो है परेशानी नहीं है और सामान्य रूप से चल रहा है तो वो जो है सात छठा पूरा करने कर ले, सात में से लगे, तो ये विकल्प है। तो पाँचवें महीने के बाद सामान्य रूप से सावधान हो जाना चाहिए। तो पाँचवें, छठे या सातवें, सामान्य रूप से वो जो है ऐसा रहता ही है कि छठे महीने से रक्त स्राव होने लग गया, माता को आलस आने लग गया और ज़्यादा वो जो है बड़े बड़े कार्य नहीं कर सकती है। इस दृष्टि से ये सब ऐसा नहीं करना चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो भगवत चिंतन इत्यादि छोड़ दे, उसे क्या क्या करना चाहिए ये आपको अभी हम बतलाएंगे दूसरे वीडियो में। तो ये है। और दूसरा इनका इसका मतलब समझ गए ना कि पाँच महीने तक ही वो जो है शुद्ध है, पाँच महीने के बाद छः सात आठ नौ इन चार महीने में पूजन पाठ नहीं करना चाहिए। अगर वो उसकी स्थिति सही है कुछ ऐसे तो सात में से अथवा आठ में से नियमों का पालन करें, आठ नौ महीने में कल दो महीने का नियम पालन करें। ये है। और दूसरा इनका प्रश्न था कि भाई संतान होने के बाद जो है कितने दिन का अशौच होता है। तो देखिए, सामान्य रूप से दशा है नहीं वो शुद्धियंती, दस दिन में जो है शुद्ध हो जाते हैं चारों वर्ण ही कलयुग में। इति साता तपोब्रवीत, ऐसा साता तप का वचन है। तो दस दिन में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के कुल जन्म होने के बाद और किसी की मृत्यु होती उनके कुल में तो वे शुद्ध हो जाते हैं, दस दिन की अशुद्धि रहती। लेकिन माता शुद्ध नहीं होती, जिसने पुत्र या पुत्री का जन्म दिया है वो अभी पूजन इत्यादि के योग्य नहीं होती। देख भी सकते उसकी अभी स्थिति भी ऐसी नहीं होती कि वो जो है घर के कार्यों को और जो है पूजा पूजन इत्यादि के जो है कार्यों को संपादन विधिवत कर सके। तो इस दृष्टि से देखिए धर्म सिंधु में लिखा हुआ है कि पुत्र प्रसूनाम विंशति रात्रे अधिकारः और कन्या प्रसूता नाम मासांते अधिकारः। पूजन इत्यादि कृत्यों में उस माता का जो दस दिन के बाद की बात कर रहे, दस दिन में और तो सब शुद्ध हो गए, लेकिन उस माता को पुत्र प्रसूनाम पुत्र जन्म होने के विंशति रात्रांते अधिकार, बीस रात्रि और निकलने के बाद है, यानी कि दस वो और बीस ये, तीस एक महीने बाद उसको फिर शुभ कर्म करने का, यज्ञ इत्यादि करने का और बालकों के कोई विवाह इत्यादि करने का या और बालक के जो है चौल इत्यादि संस्कार करने का अधिकार होता है। अगर कन्या प्रसूते, कन्या के जन्म होने पर बोले कन्या प्रसूनाम मासांते अधिकार है, और कन्या का यदि जन्म होता है तो एक महीने बाद, यानी कि वो दस दिन तो वो हो ही गए जो सबके आशौच थे और एक महीना और तीस दिन और तो चालीस दिन, तो चालीस दिन के बाद उस महिला को शुभ कर्म इत्यादि का अपने पुत्र या पुत्री के और अन्य संस्कार करने का अधिकार होता है। देखिए ये धर्म सिंधु में लिखा हुआ है। अब एक और प्रश्न था कि भाई जनना शौच में और मरना शौच में कोई अंतर होता है क्या। हाँ, इनमें अंतर है। आशौच के जब कई भेद हैं, हम इसके बारे में बतलाएंगे धीरे धीरे कि आशौच कितने प्रकार के होते हैं और कब किसको कितना कितना किस संबंधी को कितना आशौच लगता है, किस संबंधी के जन्म में या किस संबंधी के यहाँ पुत्र जनन में कितना आशौच लगता है, ये कई तरीके का आशौच है। तो अभी यहाँ बात यह है कि जनना शौच है वो लघु आशौच है और ये जो मरणा शौच होता है कुल में कोई दिवंगत हो जाता है तब जो आशौच लगता है माने अशुद्धि लगती है तो वो गुरुवा शौच है माने बड़ा आशौच है। तो जनना शौच में स्पर्शा दोष नहीं होता, जिस परिवार में जनना शौच लगा है तो वे किसी को यदि छू दें स्पर्श कर दें तो उनको आशौच नहीं लगता है। देखिए हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि भाई किसी जाति विशेष के लिए कहा गया हो उसको नहीं छूना है, ऐसा नहीं करना, ये शास्त्र की मर्यादा है। अगर ब्राह्मणों के यहाँ भी ऐसा ही है तो वो जो उसको नहीं छूना है, अब कोई द्वेष थोड़ी,
इसमें किसी से द्वेष की भावना नहीं है कि उस परिवार में कोई जो है दिवंगत हो गया तो हम उसको नहीं छुएंगे, नहीं नहीं, ये शास्त्र की मर्यादा है। वो ऐसा ब्राह्मण सब वर्णों में होगा, ऐसा कोई एक वर्ण विशेष की बात नहीं है, महिलाओं में उस वर्ण उस जो है परिवार के 7 पीढ़ी तक जो है नहीं छूना है। तो ये जलना शौच में नहीं होता, मरना शौच में ही होता। जिस परिवार में मरना शौच लगा होता है उस परिवार के लोगों को कोई और नहीं छुए और उस परिवार वाले भी आपस में नहीं छुए, वही वो परिवार वाले भी आपस में स्पर्श नहीं करें, अलग अलग रहें, अलग अलग शयन करें, ये भी विचार है। और जलना शौच में ऐसा नहीं होता, उनके परिवार वालों को कोई छू देता है या वे किसी को छू देते हैं या वे आपस में छूते हैं तो ऐसा दोष नहीं लगता है, ये बात है। और एक अंतर और है खास कि जनना शौच अतिक्रांत नहीं होता, मरना शौच अतिक्रांत हो जाता। इसका मतलब कि आपके 7 पीढ़ी में या आपके खास परिवार में किसी के या मतलब कोई मृत्यु हुई है तो उसको अगर वो कहीं दूसरी जगह उसको सूचना नहीं मिली और कई दिन बाद यदि उसको सूचना मिलती है कि भाई आपके यहाँ ऐसा हो गया है, ऐसा हो गया, तो उसको आशौच लग जाएगा। इसको कहते हैं अतिक्रांत आशौच। देखिए इसका उदाहरण देखिए, श्री रामचरितमानस में भगवान राम भैया लक्ष्मण मैया जानकी जी ये वन में चले गए थे, उनके विरह में आतुर होकर के महाराज दशरथ जी ने जो है देहोत्सर्ग कर दिया, प्राण त्याग कर दिया। भरत जी आए, उन्होंने उनके संस्कार करे, विधिवत पिंडदान इत्यादि किए, सब कार्य किए। उसके बाद सभा बैठी और उस सभा में कहा गया कि भाई तुम्हारे पिताजी जो है वशिष्ठ जी ने कहा, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी माताजी को 2 वचन दिए थे। एक वचन था कि राम जी एक उनका पुत्र राम जो है वन में जाए 14 वर्ष के लिए और उनका दूसरा पुत्र जो है भरत जो राज्य करे। तो ये जो है आपके लिए आज्ञा है, एक पुत्र ने तो आज्ञा मान ली और दूसरा पुत्र भी माने तुम राज्य करो, तो ये काम जो है उनकी जो औरजयी क्रिया थी वो पूरी होने के बाद ये सभा बैठी, तब बात भई थी। भरत जी ने कहा कि बात सही है, एक तो उचित था, एक हमारे माताजी का जो है वरदान जो था पिताजी ने जो दिया उनको उचित था, ठीक है कि भले ही कष्ट की प्राप्ति हो और वो जो है अगर पुत्र माता पिता की आज्ञा पालन करता है तो उसकी कीर्ति ही बढ़ती है, जो हमारे बड़े भ्राता जी ने वो कार्य कर दिया, ठीक है, लेकिन दूसरा उचित नहीं। माता पिता की और या जो है गुरु की आज्ञा वही अनुसरणीय होती है जो शास्त्र से अविरुद्ध हो। कोई माता पिता किसी स्वार्थवशा अज्ञानवशा यदि शास्त्र विरुद्ध आज्ञा किसी को देते हैं तो वो परिपालनीय अनुसरणीय नहीं है, ये भरत जी ने बतलाया। अच्छा ये शास्त्र कहते हैं, जिस प्रकार शास्त्र कहते हैं कि जो मात पिता गुरु की वाणी बिना विचार करें शुभ जानी, बिना विचार करे ही उसको करना चाहिए शुभ मान करके, वही शास्त्र उसी में चौपाई, वही भरत जो है राम जी से भी अधिक महिमा उनकी गाई गई है भरत जी की, है ना, श्री रामचरितमानस में आप पढ़ेंगे देखेंगे कि सारा संसार जो है राम राम कहता है, सारा संसार राम राम कहता है, जग जप राम राम जप जेई भरत सरित को राम सनेही, सारा संसार जो है राम राम जपता है, होगी राम भरत 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 जपते हैं, तो भरत से बड़ा कौन श्रेष्ठ होगा, आदरणीय। और मोरे मन प्रभु अस विश्वासा और राम ते अधिक राम कर दासा, और भरत की महिमा इतनी है कि जो है कहते जाने राम न सखाएं बखानी, राम जी जानते हैं भरत की महिमा कितनी है, बहुत से लोग तो जान ही नहीं पाते हम जैसे लोग, पर वे भी बखान वर्णन नहीं कर सकते। तो ऐसे भरत ने अनुचित होने के कारण अपने पिता की और माता की आज्ञा का परिपालन नहीं किया, फिर भी उनकी कीर्ति बढ़ी, कारण क्योंकि वो जो है शास्त्रीय आज्ञा नहीं थी। अब देखिए अपनी बात को कहते हैं तो भरत जी और वो सब पूरा समाज बोले क्या करें, बोले राम जी को मनाने के लिए चलते हैं, वे जैसा कहेंगे वहां जो निर्णय होगा फिर निर्णय लिया जाएगा। तो वहां गए, तो जाने के बाद सर्वप्रथम क्या हुआ कि सर्वप्रथम बताया गया बोले पिताजी कहां है, बोले पिताजी तो दिवंगत हो गए। अच्छा
तो बस ये शब्द सुना कि हमारे पिताजी दिवंगत हो गए, तो वह शोक तो होगा ही पुत्रों को। तो अब ये लोग तो शोकाकुल थे ही, सब क्रिया करके आए थे, पर राम जी को आज पता चला। तो आज पता चलते ही खंडा शौच, अतिक्रांत खंडा शौच की प्राप्ति उनको हो गई। तो 3 दिन का आशौच लगा राम जी को, लक्ष्मण को और सीता जी, और वो तो आशौच को मना करके ही आए थे 10 दिन तक। तो अब यहाँ इतना शोक हो गया, वो तो खैर कथा है कि पूरी कथा आप वहाँ पढ़ेंगे तो पता चलेगा। माना कि दशरथ जी आज ही दिवंगत हुए हों, ऐसा शोक हुआ। और 3 दिन तक जो है भोजन पानी की मर्यादा रही, किसी ने भोजन इत्यादि भी नहीं किया, मुनि के कहने पर भी अन्न जल किसी ने नहीं लिया, क्यों 3 दिन तक आशौच था। तो उसकी मर्यादा और कुछ शोक इस तरीके से रहा। 3 दिन बाद उन्होंने जो जलांजलि इत्यादि दे करके और जो है वो तत्कृत्य का संपादन किया। तो कहने का तात्पर्य कि यदि कोई परिवार में कोई जिनका आशौच हमको पूरा 10 दिन का लगना था, उनकी यदि जो है मृत्यु हो जाती है और उस परिवार वाले को किसी को पता नहीं चलता है, और बाद में यदि पता चलता है तो उसको 3 दिन का आशौच लगता है, और यदि 10 दिन के भीतर पता चल जाता तो जितने दिन बाद पता चला उतने दिन का लग जाएगा, 8वें दिन पता चला तो फिर वो 2 ही दिन का लगेगा, 9वें दिन पता चला तो वो जो है 9 और वो 10 ये जो है 1.5 दिन का ही जैसे लगेगा, और 10वें दिन पता चला सुबह ही सुबह तो फिर वो जो है थोड़ी देर बाद स्नान मात्र से ही छूट जाता, और 10 दिन के बाद यदि पता चला तो 3 दिन का ही लगेगा आसव। तो ये अंतर है, ऐसा जनना शौच में नहीं होता। यदि आपके परिवार में किसी के यहाँ कोई पुत्र या पुत्री का जन्म हुआ है और वो जो है वार्ता वो बात आपको कई दिन बाद पता चलती है, तब भी आपको अतिक्रांत आशौच नहीं लगेगा, ये है मतलब वो उस अशुद्धि नहीं आएगी। तो ये जनना शौच और मरना शौच में अंतर है, और बाकी का और नियमों में कोई खास अंतर नहीं है, सब नियमों का परिपालन करना है। किसी भी जनना शौच या मरना शौच में उसे देव पूजन इत्यादि करने का अधिकार नहीं है, केवल आशौच की संध्या कर सकता है, भगवान नाम संकीर्तन कर सकता है। आशौच की संध्या है जिसके बारे में हम चर्चा कई बार कर चुके हैं, सूत की संध्या, आशौच की संध्या, जिसमें जो है मुख्य रूप से अमंत्रक प्राणायाम और गायत्री का सम्यक उच्चारण पूर्वक 3 सूर्य को अर्घ्यदान और 10 बार गायत्री का जप, प्रणाम नमस्कार, इतना होता है। ये तो आशौच में भी होता है। हर हर महादेव।